नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्सोल वाटर आयनाइजर प्रेजेंस द टाइसन टॉक शो दिल से में। आपने कभी लाइटनिंग का आवाज़ सुना है? आपने कभी थंडर का आवाज़ सुना है? दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स से बात करने वाले हैं जिनके गले में थंडर रहता है, जिनके गले में लाइटनिंग बिजली रहती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ द डैशिंग द परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश मिस्टर डेवी डांगू के बारे में, जिन्हें मेरे ख्याल से बहुत लोग जानते हैं आप लोग। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा डेविड आपका टाइसन टॉक शो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो डेविड जी, वैसे तो आपको इंट्रोडक्शन के मोहताज तो है नहीं आप, बट फिर भी मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगी कि आप थोड़ा अपने बारे में बताएं। आप कौन हैं, किस तरह के हैं आप, थोड़ा अपने बारे में बताएं। हु इज डेविड डांगू एज अ पर्सन? इंट्रोडक्शन तो जरूरत है यार, सच में। बिल्कुल बिल्कुल। सो लाइक माय नेम इज डेविड डांगू और हम आलो से हैं। मेरा होम टाउन आलो है और आई लिव हियर इन ईटानगर। सो आई एम ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सो हमको यहाँ रहना होता है। नहीं तो हम आलो से एक्चुअली। बेसिकली आप आलो से हैं जी। बहुत ही मॉडेस्ट इंट्रोडक्शन दिया है आपने, बट आपका जो एक पहचान है मेरे ख्याल से, हमारे स्टेट में जो आपका है पहचान है, दैट इज एज एन आर्टिस्ट। आप एक म्यूजिशियन हो, आप एक परफॉर्मर हो, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि ये जो म्यूज़िक आपने जो शुरू किया, ये म्यूज़िक का जो पैशन है आपके अंदर में, ये कौन सा पल था वो लाइफ में व्हेन यू डिसाइडेड कि ओके दैट आई वांट टू बी अ म्यूजिशियन लाइक? सो मेरा घर पे क्या था कि मेरा घर में मेरा भैया लोग था, दे यूज टू प्ले गिटार एंड ऑल, मोस्टली गिटार। मेरा फर्स्ट कज़न, मेरा भैया लोग, नॉट लाइक बहुत प्रोफेशनल वाला गिटार प्लेयर नहीं, लाइक थोड़ा घर वाला थोड़ा सा ना। फिर वो लोग गिटार बजाता था, फिर हमको भी आ गया कैसा कैसा करके, लाइक दो तीन कोर्ड सिखाया कुछ करके। सो मेरा कज़न लोग, फिर मेरा भैया लोग, फिर ऐसा करके लाइक हमको भी पता नहीं चला कब हम लाइक डाइव कर लिया लग गया ना। फिर आई स्टार्टेड प्लेइंग इन चर्च एंड ऑल। सो क्लास 3-4 में चर्च वर्च में बजाना स्टार्ट कर दिया। फिर एक ऑर्केस्ट्रा में भी हम प्ले करता था बीच में। हाँ, एंड देन आई हैड अ बैंड इन 2006 आई गेस, 2006-07 में मेरा फर्स्ट बैंड था शायद से। सो वो बैंड का नाम था मेगावाट। मेगा डेथ से मेगावाट, मेगावाट। काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम था। तो शुरुआत ऐसा हुआ आपका, मतलब घर में ही आपका हमेशा से एक एटमॉस्फेयर था। ओके। इवन माय फादर, मेरा पापा जो है वो भी बहुत म्यूजिक, लाइक जो भी म्यूजिक करता है उसको लाइक सपोर्ट करता था वो ना। पापा जो है वो खुद भी म्यूजिक इंटरेस्ट था, प्लस डांस वांस भी करता था पापा, लाइक तो लाइक वेरी सपोर्टिव काइंड ऑफ लाइक। मतलब आपका जो म्यूजिक जो है घर से ही शुरू हुआ? घर से ही शुरू। फिर आपने चर्च में प्ले किया, फिर आपने ऑर्केस्ट्रा, मतलब काफी, मतलब बिल्कुल कच्ची उम्र से आपने म्यूजिक के साथ अपने आप को जोड़ के रखा। हाँ, लेकिन लाइक अच्छा डायरेक्शन तो नहीं था, लेकिन स्टार्ट तो ऐसा ही हुआ था। आपके पैशन के थ्रू आपने, मतलब यू रियली वेंट फॉरवर्ड ना। बहुत ही अच्छा। तो डेविड, मेरे ख्याल से हमारे बहुत सारे दर्शकों को भी पता होगा जो 2010s में रॉक म्यूजिक सुना करते थे, देयर वाज अ बैंड कॉल्ड सोल ऑफ फिनिक्स। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि डेविड डांगू एंड ट्राइब के बारे में तो मेरे ख्याल से बहुत को पता होगा, थोड़ा सोल ऑफ फिनिक्स के बारे में बताइए फॉर द ओल्ड टाइमर्स। मेरा लाइफ में ना हम सबसे ज्यादा मिस करते थे, आई रियली मिस लाइक सोल ऑफ फिनिक्स। सो लाइक मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, मेरा बैंड मेट्स है, लाइक वो लोग हम बहुत मिस करेगा लाइक ना। सो लाइक हम लोग बैंड लाइक स्टिल इन हाइटस बोल के रखा हुआ है लाइक, तो हम लोग बैंड कुछ इधर उधर कुछ भी नहीं हुआ सर। वी आर स्टिल टुगेदर, वी स्टिल हैंग आउट टुगेदर। हम लोग साथ में हैंग आउट करते हैं, अभी भी बाहर जगह हम वो लोग को ही फ़ोन करते हैं। लेकिन दूसरा जो बेस प्लेयर है उसको लाइक उसको जॉब हो गया, तो वो पोस्टिंग ऑफकोर्स वो हवाई चला गया ना। ओके। सो सोलो फिनिक्स मेरा स्कूल बैंड था एक्चुअली। स्कूल बैंड? हाँ, स्कूल बैंड था। सो एक्चुअली सोलो फिनिक्स, बिफोर सोलो फिनिक्स जो है फिनिक्स करके था। सो आई प्ले गिटार उसमें, हम गिटार प्ले करता था। उसके बाद फिर मेरा एक दोस्त था, एक चाइल्डहुड फ्रेंड जुम्मार करके लोग, वो वोकल करता था। ओके। फिर एक दो साल किए हम लोग, एक एक या दो गिग्स प्ले किए हम लोग ना, एक गिग या दो गिग्स प्ले किया। उसके बाद जुम्मा वेंट टू कॉलेज, बैंगलोर चला गया। सो उसके बाद फिर हम लोग सोचा क्या करेगा वोकल, तो हम सोचा कि हम चलो खुद ही गा लेगा। वाओ। सो उसको रुकना एक साल दो साल, फिर हम लोग सोलो फिनिक्स करके स्टार्ट किया हम लोग ना। ऐसा करके लाइक मेरा बैंडमेट्स था आनंद,
यू नो आनंद आई थिंक या आई नो दैट गाय सो आनंद गिटार प्लेयर उसके बाद फिर नार्मल जामो बेस प्लेयर मैं स्कूल में थे Welcome to Angel's Bridal Boutique. Special moments are created here. We have helped thousands of brides to look stunning on their special day. We have unlimited fashion varieties from Western dresses to traditional attires. From finding the perfect dress for your wedding day or to style the bridesmaids. We have everything that you are looking for. It's our pleasure helping brides find that one special dress. Visit us at Ganga Market near Clock Tower, Itanagar. छोटा सा साथ में पढ़ाई करे क्लास सिक्स से सो उसके बाद फिर एक ड्रमर था मगर नोआ ना नोआ यूरोपियन करके ड्रमर था आलो में उसके साथ कुछ काफ़ी गिग्स किया फिर उसके बाद ड्रमर का कुछ आलो में था फिर हम लोग शिलोंग में था ओके हम और आनंद शिलोंग में था नार्मल गुवाहाटी में था तो हम लोग का नहीं हो पा रहा था गिग्स बार बार आलो से आना लाइक ट्रांसपोर्टेशन आपको पता है रास्ता पता है कि उस समय क्या हालत था अभी भी थोड़ा खराब ही है थोड़ा नहीं बहुत खराब है बहुत खराब है बिल्कुल सो तो नोआ बोला कि लाइक मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है घर से भी प्रेशर आता है ऊपर से पैसा वैसा तो मिलता नहीं था बिल्कुल ऊपर से नया नया बैंड था तो लाइक गुवाहाटी में भी हम लोग को शिलोंग गिग्स कर रहा था लेकिन बहुत रगड़ रहा था स्टार्टिंग में ना हम लोग सो हम लोग तसाम को ड्रम के लिए अप्रोच किया तसाम एग्रीड एंड वी हैड अ फर्स्ट गिग इन बोमदिला सो तसाम के साथ फर्स्ट गिग बोमदिला था एंड देन वी टूर्ड नॉर्थ ईस्ट तो बहुत सारा जगह हम लोग प्ले किया वो जो एड्स वाला कंसर्ट जो होता था आप सेक्स का शायद कुछ होता था उसमें ना उसमें हम फिनिक्स समय में कंपटीशन में प्ले किया था आलो में ओके उसके बाद हम प्ले नहीं गया इन दैट रिसेंटली दो तीन साल पहले हम जज के लिए तो गया था लेकिन एज अ सोलो फिनिक्स आई थिंक प्ले नहीं किया वी रिमेंबर यू आई मीन आई एम गीकिंग आउट हियर आई एम रियली सॉरी बट वी रिमेंबर यू मोस्टली that stay to day wala jo aapka performance tha and honestly yeah, like we thought bahar ka band baad mein jab naam pata chala hai to you know so I'm really sorry I'm just geeking out here we used to cover ACDC and all yeah that's why I mean I was like hearing someone sing like that I'm really sorry so hum log Shillong based tha actually so college wa kar raha tha to hum log Shillong based aise oh maybe like that so that's why I thought na so सो वहाँ से आपका एक पहचान बना लाइक यू नो पहचान इन द सेंस लाइक यू गॉट इन टू लाइक सो टू से मेन स्ट्रीम रॉक कल्चर ऑफ अरुणाचल प्रदेश वहाँ से आपने शुरुआत किया तो यू स्टार्टेड आउट एज ए यू नो आपने शुरुआत किया यू नो ब्रायन जॉनसन बन के आपने शुरुआत किया एक्सल रोज बन के शुरुआत किया फिर अचानक से डेविड आंगो एंड द ट्राइब हाउ डिड दैट हैपन लाइक एक्चुअली क्या कि सोलो फिनिक्स की हाइडर्स में बोलने से ऐसा था कि लाइक वी प्लेड ज़्यादा ही कवर प्ले कर लिया था हम लोग गन्स एंड रोजेस बहुत प्ले कर लिया था ACDC प्ले कर लिया था और हम लोग म्यूजिकली लाइक वी वर नॉट मैच्योर उस समय हम लोग लाइक कच्चा बच्चा लोग था उस समय में सो लाइक हम इतना कवर तो ओरिजिनल बनाने से भी सेम टेस्ट निकालते हैं जमाना तो चेंज हो गया तो लाइक हम लोग सोलो फिनिक्स ने थोड़ा ज़्यादा ही गिग कर लिया था एक्चुअली छोटा छोटा गिग्स होता था लेकिन वी टूर हम लोग बहुत टूर करता था उस समय में लाइक नोटिस तो सब जगह ही बजा था दिल्ली बजा के एक बार ऐसा एक बार दिल्ली प्ले करके आके हम लोग बैंड डिसाइड किया है थोड़ा ज़्यादा हो गया म्यूचुअली थोड़ा ज़्यादा हो गया एक काम करते हैं हाँ एक काम करते हैं ये सेम टेस्ट नहीं चलेगा उसके बाद हम लोग कुछ नया कुछ करते हैं लाइक ना थोड़ा नया कुछ करते हैं
तो हम लोग थोड़ा हाईटस में चलते हैं, चलो थोड़ा 2-3 साल थोड़ा अच्छा म्यूजिक सुनते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और थोड़ा अपने म्यूजिकली थोड़ा सीख भी लेते हैं, ऐसा सोच के हम लोग सोलो फिनिक्स ऐसा करके रखा हुआ अभी तक ऐसे ही है। कब तक होगा पता नहीं, आई डोंट नो, वापस कम बैक कर पाएगा ना नहीं पर कर पाएगा वो भी पता नहीं, आई एम श्योर यू विल कम बैक। तो ये जो आपका जो स्टाइल है, अब मैं आपके स्टाइल में आना चाहूँगा, जो स्टाइल है आपका ये है फोक फ्यूजन मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लाइक फोक फ्यूजन है। आप बेसिकली यू आर bringing out the local flavors with a very new sound. तो इसके बारे में जरा बताइए, folk fusion जो ये genre है इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। हम ना actually जब solo phoenix में already जब play कर रहा था तब भी हम तेजी को, is a very good friend of mine, तेजी तो को, तो उसको हम थोड़ा बोल चुका था कि लाइक हम थोड़ा ये म्यूजिक से थोड़ा पक गया, थोड़ा कुछ नया म्यूजिक करना है हमको ना, हमको नया म्यूजिक करना है। उसके बाद आई मेट टाकर, उसके बाद सोलो फिनिक्स का जो बेस प्लेयर था नार्मी वही बेस प्ले कर रहा था स्टार्टिंग में ना। सो लाइक आइडियाज़ तो मेरा बहुत पहले आ चुका था, क्लास 11-12 में मेरा आइडिया था। मेरा भैया भी बोलता था तुम कुछ फ्यूज़न करो ना, करो ना ऐसा, जाजिंजा ऐसा को एग्जांपल लेके बोलता था उस समय में। सो उसके बाद हम ताकर को एक दिन बोला है कुछ गाना ट्यून बनाया तो इसको ट्राई करता है इसको ना, फिर तेजी को भी हम बताया, फिर नार्मी था ऑलरेडी, तो हम लोग को एक टूर मिल गया था हमको बासर बास्कोन प्ले करके, फिर मेचुका प्ले करके, फिर आलो यमगो रिवर प्ले करके हमको राजस्थान में ये उदयपुर में राइडर्स मेनिया एक, तो पूरा ऑल इंडिया का जितना बुलेट है उसका राइड होता है वहाँ में ना, तो वो फेस्टिवल में 4 गिग मिल गया था हमको। सो हम लोग सोचा कि चलो हम लोग मेरा पहले वाला जॉनरे को कम रखेगा, थोड़ा मेरा नया गाना लोग को थोड़ा फोकस करेगा। फिर हम लोग जैम किया, फिर हम लोग गाना को कंपोज किया, मतलब कंपोज हम करके रखा हुआ था, म्यूजिक में वर्कआउट किया हम लोग, अरेंजमेंट से हाँ अरेंजमेंट कर रहा था हम लोग, तो लाइक हो दलो आना गया, उसके बाद डालिए कुछ ज़्यादा गाना नहीं था, 5-6 सॉन्ग्स था तो, लेकिन हमको होता है 45 सेट प्ले करने, बाहर प्ले कर रहा था अरुणाचल से बाहर, तो 45 तो मिनिमम है। सोलह हम लोग क्या करता था उसमें बीच में आयरन मेडन थोड़ा डाल दिया, थोड़ा गन्स एंड रोज़ेस डाल दिया इनिशियल में, तो लाइक इट्स लाइक सोनी ओस ये ताकर और तेजी के लिए थोड़ा वो था लाइक थोड़ा काइंड ऑफ लाइक वो जॉनरे से वो लोग बहुत पहले हट चुके हैं। एग्जैक्टली तो वो लोग के लिए थोड़ा सा लाइक कैसा कैसा फील, लेकिन फिर गाना को भी टाइम को भी फील करना है ना, फिर तो मेरे साथ प्ले कर रहा है तो ऐसे करके ये 3-4 गाना है, तो रेस्पॉन्स बहुत खतरनाक तो हो दलो फोक फ्यूजन करना ऑफकोर्स, तो लाइक हम लोग का एरिया में स्पेशली वेस्ट सियांग तरफ में वो खतरनाक। फिर जब उदयपुर प्ले किया ना पंजाबी लोग लिटरली भयानक नाच रहे हैं, मतलब वो लोग को अंग्रेजी गाना नहीं सुनना है, वो लोग को फोक सुनना है, नया साउंड चाहिए मतलब तो मेन स्ट्रीम वाला गाना वो लोग सुन सुन के बाहर का लोग थक गया बिल्कुल, वो लोग ना टीवी देखने मने ना कुछ कॉमर्शियल गाना सुनने मने, वो लोग को नया टेस्ट चाहिए मतलब ना, वह जो रेस्पॉन्स था ना बहुत खतरनाक था, वो पंजाबी लोग भयानक नाच रहा था बहुत दिनों में, तब हम लोग डिसाइड किया था चलो लेट्स रिकॉर्ड दिस सॉन्ग। सो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड, आई मीन इट वाज जस्ट एन आइडिया इनिशियली, लाइक एक्सपेरिमेंट कर रहा था जस्ट, हां एक्सपेरिमेंट एंड देन लाइक होते होते इट बिकेम सच अ नाइस थिंग, वही वही बहुत ही अच्छा है। आप आई डोंट नो व्हेदर यू हैव नोटिस दिस और नॉट डेविड, बट ये जो आप जो फोक सॉन्ग गाते हैं दीस आर ऑल ट्रेडिशनल ट्यून्स, आपने आपतानी में भी गाया, कुछ गालों में भी गाया आपने, तो आई डोंट नो whether यू रियलाइज दिस और नॉट, बट द किड्स नाउ डेज दे आर सिंगिंग दोज ओल्ड फोक सॉन्ग, जो फोक सॉन्ग्स हमारे बाप दादा गाते थे उनको जो है बच्चों ने गाना शुरू किया, तो इस पे आपका क्या कहना है, लाइक आर यू हैप्पी, आर यू सेटिस्फाइड, और हैव यू सीरियसली थॉट इन दैट डायरेक्शन? हम बहुत सीरियस और लाइक मेरा लाइक एम्बिशन और मेरा जो जो डिसाइड किया था ना जब फोक म्यूजिक करेगा जी, तब हम यही लेके सोचा था कि लाइक हम खुद का एग्जांपल ले रहा था हम जब स्कूल समय में हम फोक से बहुत दूर था, सुनने से दिमाग खराब होता था हम खराब तो नहीं बोलना चाहिए, जितना लोकल आर्टिस्ट लोग का गाना वाना हम ऑर्केस्ट्रा में टाइम पास के लिए बजाता था, दिल से नहीं बजाता था, पॉकेट मनी ऑफकोर्स कैन अंडरस्टैंड, तो लाइक हम पक गया था वो म्यूजिक से भी ना, सेम मेन स्ट्रीम पूरा एसएमएस गाना से इन्फ्लुएंस है, जितना लोकल गाना या बॉलीवुड से इन्फ्लुएंस है, बहुत हम लोग से पहले वाला जनरेशन जो है बहुत खतरनाक से इन्फ्लुएंस है, जितना भी करो वो एसएमएस इन्फ्लुएंस आता ही है, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द म्यूजिक डायरेक्टर्स आर आल्सो एसएमएस, हां उस समय का तो 100% पूरा नॉट 99 100% सब गुवाहाटी में म्यूजिक बनता था, बिल्कुल बिल्कुल हां। सो मेरा तो यही सोचता कि लाइक
मेरा खुद का एग्जांपल लेके हम कुछ फोक सुनने मन नहीं करता था लाइक जहाँ भी जाओ पोनू होते रहेगा क्या है क्या नहीं है ऐसा करके आइडिया तो 11 12 में भैया लोग भी पूछ किया था हमको मेरा अंदर भी था लेकिन खोला नहीं अंदर से बिल्कुल. जब हम कॉलेज गए तब हम रियलाइज किया ना जब अकेला बैठता था हम कॉलेज में इधर उधर घूमता नहीं था म्यूजिक प्रोडक्शन सीख रहा था बैठ के ना तो क्लासेस भी बहुत कम जाता था बांग करेगा फिर म्यूजिक प्रोडक्शन का तब हमने मेरा एक प्लेलिस्ट होता था उस समय ना उस समय कुछ कुछ फोक सॉन्ग्स होता था उसके बाद फिर कुछ कुछ लोकल गाना लगता थोड़ा थोड़ा वो सब तो टच किया हमको ना फिर हम अपना घर वर का याद आया फिर ऐसे होके लाइक हाँ हमको ये चीज़ करना चाहिए आइडिया ऑलरेडी था हम लेकिन ऑलरेडी डिसाइडेड था कि हम जैसे लड़का लोग लाइक पसंद नहीं करता है फोक को या लोकल म्यूजिक को हम क्या करके लाइक इसको लाइक यंग किड्स को या अपकमिंग जनरेशन को लाइक कैसे लाइक वो लोग का साथ में कनेक्ट करा पाएगा फ्यूचर ऐसा सोच के ना सो मोस्टली क्या है कि आप एग्जैक्ट समझ पाएगा ये बात को हमसे पहले वाला जनरेशन नहीं समझेगा और मेरा बाद वाला जनरेशन का सोच अलग है और बिल्कुल हम लोग का ठीक एज में क्या हम लोग फोक सॉन्ग सुनने मन नहीं करता था एक जमाना में बिल्कुल तो वही था सो इट स्टार्टेड आउट लाइक दैट ना कि मतलब कहीं ना कहीं जो फोक साउंड है वो आपको लगा कि मतलब इट्स नॉट कनेक्टिंग आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे मतलब आपको कल्चर अच्छा लग रहा है आपको वर्ड्स अच्छा लग रहा है बट द कॉम्पोजिशन इज नॉट अपीलिंग सो ये फोक को ना हम मजाक में लेता था पहले मेरा दादी माँ को हम चेरने के लिए गाता था मैं दादी माँ को गुस्सा दिलाने के लिए हम स्टार्टेड लाइक दैट हाँ तो स्कूल से वापस आएगा दादी माँ बैठेगा उसको हम चेरेगा डाली वो गुस्सा नहीं होता वो खुशी होते हो उसके बाद बोलता है हमको आओ हम तुमको अच्छा से सिखाएगा हम उसका मजाक उड़ाने के लिए सीखता था सो बेसिकली फैमिली में है आपका ना दादी माँ दादी माँ हाँ ऐसे ही गाता था तो हम भी ऐसे ही देखिए वो मजाक मजाक में इन्होंने डाली डाली गाया आप पूरा अरुणाचल गा रहा है ना जस्ट लुक एट द आयरनी ऑफ इट का जो आयरनी है सच सच ए नाइस ये पता नहीं अरुणाचल गा रहा है कि नहीं लेकिन हमको मजा आ रहा है अरुणाचल नहीं मेरे ख्याल से जैसे आपने कहा पंजाबी आर सिंगिंग द सर्ड्स आर सिंगिंग आई मीन हम एक चीज नोटिस किया लेकिन फोक म्यूजिक को अरुणाचल से ज्यादा बाहर अप्रिशिएट करता है ऐसे अब देखो हाँ फॉरेनर लोग को देखो या कोई लाइक थोड़ा सा लाइक पढ़ा लिखा लोग ना लोग फोक म्यूजिक को ज़्यादा लिटरेचर वाला लोग जी ज़्यादा फोक म्यूजिक को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उन लोग मतलब कहीं ना कहीं इसको मैं अनफॉर्चुनेट कहूँ या फॉर्चुनेट कहूँ कि बाहर के आदमी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं वो लोग को ना नया साउंड चाहिए वो लोग का ना समथिंग से जुड़ा हुआ चाहिए वो लोग को ना गोइंग बैक टू द रूट्स बोलो अरुणाचल आएगा सेम बॉलीवुड शीट सुनने मिलेगा वो लोग एक्सपेक्ट नहीं करता वो लोग ना बिल्कुल हम ये चीज़ नोटिस किया है क्योंकि हम क्लासिक रॉक भी प्ले किया है लाइक थोड़ा सा पॉप टाइप का म्यूजिक भी प्ले किया है बीच में फोक म्यूजिक बाहर तीनों म्यूजिक प्ले कर चुका है हम ना तो ज़्यादा अप्रिसिएशन लाइक फोक म्यूजिक में ज़्यादा आता है बिल्कुल हाँ ऑफकोर्स थोड़ा वो वाला Sometimes when you just want to देसी वाला पार्टी तो नहीं होगा वो लोग को तो वही टिपिकल चाहिए बिल्कुल 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 सही है ये जो फोक के बारे में तो बहुत बातें कर ली आपने और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डेविड आपने मुझे बताया कि यू नो यू आर ऑल्सो वर्किंग एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स आपने अपनी पढ़ाई भी अच्छे से किया आपने एंड देन यू ऑफकोर्स आपने गवर्नमेंट जॉब यू आर वर्किंग एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स आप यू नो सम काइंड ऑफ एग्जाम्स कुछ दिया आपने फिर आप गवर्नमेंट जॉब में एब्जॉर्व हुए तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि लाइक हाउ डू यू बैलेंस बिकॉज यू आर अ म्यूजिक प्रोड्यूसर नॉट मेनी पीपल नो दैट यू आर अ वेरी बिजी म्यूजिक प्रोड्यूसर परफॉर्मर तो हो ही हो आप एंड देन फिर गवर्नमेंट जॉब एंड देन हाउ डू यू डू दैट एंड आई थिंक यू आर अ फादर ऑल्सो सो हाउ डू यू डू दैट मतलब बहुत टफ तो है सच में ना बहुत टफ है लाइक हम थोड़ा लकी भी बोलेगा थोड़ा मेरा फैमिली जो है बहुत ये था स्टार्टिंग में लाइक बहुत तकलीफ था When I was in college and all, मेरा फाइनल ईयर होने के बाद फर्स्ट मंथ जस्ट राइट आफ्टर माई फाइनल एग्जाम उसके बाद हम डिसाइड किया था कि हम लॉ करेगा करके ना लॉ कर लेगा करके ऐसा एडवोकेट बनेगा बोलते थे मेरा एक भैया एक आसाफ भैया वो बोल रहे तुम क्या एडवोकेट बनेगा बेकार है मत करो म्यूजिक करो म्यूजिक में फोकस करो बहुत अच्छा बात बोला था वाइस वर्ड्स हाँ लेकिन हम सोचता था लाइक चलो म्यूजिक तो अरुणाचल में थोड़ा मुश्किल होगा क्या ऐसा भी सोचता था थोड़ा ना लेकिन जब हम म्यूजिक प्रोडक्शन में घुसा है प्रोजेक्ट्स जब आना स्टार्ट किया बहुत प्रोजेक्ट्स आ रहा था उस समय में भी ना तब से हम कर रहे हैं 2016 में ग्रेजुएट करते ही 3 महीना 4 महीना बाद हमको लक्की बोलेगा लाइक नौकरी मिल गया इंटरव्यू निकला था पेपर में दिया है नौकरी मिल गया लाइक हम पढ़ाई में बहुत अच्छा वो म्यूजिक से ही रिलेटेड वो था ओके ओके म्यूजिक से रिलेटेड था
सो ऐसे करके जॉब में आया। और मेरा डिपार्टमेंट ऐसे है कि लाइक दूसरा डिपार्टमेंट जैसे 9 to 4 ऐसे नहीं, लाइक आर्ट एंड कल्चर हाँ तो काम होता है, नहीं होता है बोल के नहीं है वहाँ भी, जैसे लाइक गवर्नमेंट का कुछ भी इवेंट है आर्ट एंड कल्चर को देखना होता है, 26 जनवरी 15 अगस्त ये सब में फोक को लाइक प्रिजर्व करने के लिए क्या करना है आर्ट एंड कल्चर लोग, ऐसा बहुत सारा प्रोग्राम तो होता है। उसके बाद ऑफिस में भी होता है काम जो है। उसके बाद एज ए म्यूजिक प्रोड्यूसर हम एक समय ठीक था कॉलेज समय ना, या ठीक कॉलेज का कुछ लास्ट ईयर में जब था तब ठीक ही था, लेकिन नौकरी का बाद थोड़ा सा म्यूज़िक प्रोडक्शन करने के लिए थोड़ा टाइट तो हो गया होने में, लेकिन मैनेज करना होता है फिर ना। सो आफ्टर लाइक ऑफिस एंड ऑल हम दूसरा जैसे फिर इतना घूमता नहीं है, मतलब जो वीकेंड में एक बार या महीना में एक दो बार निकल जाता है, हमेशा नहीं घूमता। माइक शिनोडा काइंड ऑफ ए पर्सनालिटी, काम से काम काम से काम। उसके बाद कर लेता है शाम को 2-3 बजे से 7-8 तक, कभी कभी सुबह तक, अभी तो रोज सुबह तक ही काम चल रहा है। ओह माय गॉडनेस, मींस यू आर वर्किंग कंटीन्यूअसली। हाँ, कोविड का समय हम बहुत काम किया, उस समय ऑफिस जाना नहीं होता था। हाँ, तो आपने लाइक यू नो बैठ किया। उसके बाद अब फादर एज ए फादर भी अब पूछ रहा था लाइक, तो हम आई एम वेरी लकी दैट लाइक मेरा वाइफ हमको इतना अच्छा मिला ना, ज़्यादा हमको म्यूजिक के ऊपर टांग मारता नहीं, वो सपोर्ट करता है ना वो जो है। उसके बाद जब बच्चा छोटा था तब मम्मी पापा और मम्मी, मेरा मम्मी भी आया और उसका वाइफ का मॉम भी आया, फिर दोनों मिलके अच्छा से देख दिया ऐसे करके। हाँ, बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया तो कोविड आ गया, मेरा घर में काम करने लगा, दोनों चला गया, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हुआ था, लेकिन मेरा वाइफ मैनेज कर लेता ना। हम दिन में, अभी बच्चा तो 3 साल हो गया, हम दिन में खेला था, सुबह में वाइफ देखते मींस लाइक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यू हैव हैड, मतलब कहते हैं ना कि ऊपर वाला का जो रहमो करम हमेशा से रहा, यू नो नौकरी मिल गया आपको फटाफट, एंड कोविड के दौरान जब पूरा दुनिया यू नो कुछ करने का नहीं है, सीरीज देख देख के बैठ रहा है, मैं स्पेशली आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ सीरीज ओके ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड यू वर देयर वर्किंग, सो बहुत ही अच्छा है ये सब आपसे सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा, एंड देन यू आर बैलेंसिंग एवरीथिंग सो नाइसली ना, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो डेविड, मैं अगला प्रश्न आपसे जो पूछना चाहूँगा वो ये है कि यू आर ए म्यूजिशियन, यू रॉक इट वेरी हार्ड व्हेन यू गो ऑन द स्टेज, बट ये मेरे ख्याल से आपको भी मानना पड़ेगा ये बात कि जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो रॉक स्टार्स होते हैं, यू नो दे हैव यू नो नॉट अ वेरी पॉजिटिव इमेज। एक होता है कि मैं ये म्यूजिशियन होगा तो पक्का ये दारू पीता होगा, पक्का ये ड्रग्स लेता होगा, या कुछ ना कुछ वायलेंट होगा, कुछ ना कुछ होगा, तो फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड यू आर अ वेरी क्लीन म्यूजिशियन। सो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा रादर कि आपने अपना पाथ को कैसे अलग रखा, लाइक विथ इंस्पायर ऑफ बींग इन सच रॉक म्यूजिक सिनेरियो, लाइक हाउ डिड यू मैनेज टू स्टे क्लीन, लाइक नो बूजिंग नो पुशिंग ऑल दीज थिंग्स, जरा बताइए इसके बारे में। आउट से अभी तो वो जमाना चला गया, दोज डेज आर गॉन मेरे लिए ना। ओके, वो जो है अभी अगर आप पुश कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहा है या नशाबाजी ज़्यादा कर रहे हो, आपको म्यूज़िक भी करना है, अब एक नंबर बुड्ढू है, हो ही नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा। आपको सीरियस म्यूजिशियन बनना है, यू हैव टू बी वेरी सीरियस एंड यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। मे बी आप सक्सेस हो सकते हैं 3 साल 5 साल, लेकिन आपका 10 साल बाद आप सक्सेस नहीं होगा, वो द डैम श्योर लाइक। सो मेरा जो एरा है, हम भी 90s का है, सो लाइक हाँ उस समय में खतरनाक ड्रग्स होता था उस समय ना, रॉक एंड रोल मीन्स ड्रग्स उस समय में। सो लकीली हम क्या था कि हम आलू में भरा हुआ है ना, हमें उस समय में ड्रग्स का सीन नहीं था जी, बिल्कुल। अभी हम जब शादी वादी हो गया नौकरी तब अभी ड्रग्स सीन अभी हुआ है, लाइक बहुत लकी था। और हम क्या था कि हम चर्च में बहुत बिजी होता था, सो चर्च एक्टिविटीज़ में होता था, स्कूल जाता था सुबह 7 बजे केंद्रीय विद्यालय से था हम, तो शाम को 3 बजे आता है, 3 बजे से फिर ट्यूशन के लिए जाता है, ट्यूशन से वापस आएगा 6:37 होता है, बाकी फुटबॉल खेलने जाता था, हम म्यूज़िक प्रैक्टिस कर रहा होता था उस समय में। सो ऐसा करके लाइक हमको बहुत कम ही टाइम मिला हमको, मेरा ना मेरा पापा जो है 2004 में वो हो गया था, एक्सपायर हो गया था, तो मेरा बड़ा भैया और मेरा मम्मी हमको बहुत डरा हुआ था ये ड्रग्स में तो नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल सब ऐसे ही था, सब म्यूज़िक वाला लोग था, पूरा दारू वारू खतरनाक था पूरा, और म्यूज़िक मीन्स इमेज ऐसे है कि हमारा अरुणाचल में इतना खराब है,
बाहर में देखिए बहुत सारा लाइक इंटरनेशनल आर्टिस्ट लोग क्या है कि फेमस होने का बाद बिगड़ने वाला भी है, लेकिन वो लोग का साथ में क्या है कि वो लोग का फैसिलिटीज भी तो बहुत है ना, रिहैब सेंटर एंड ऑल, यहाँ तो रिहैब अभी है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ में बहुत साल पहले से लाइक रिहैब है, उसके बाद वहाँ में मेडिकल ये सब बहुत अच्छा है ना वहाँ में, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। सो मेरा भैया और मम्मी भी बहुत डरा हुआ था उसमें वापस जाएगा क्या जाएगा, थोड़ा स्ट्रिक्टली थोड़ा टाइट तो किया था हमको भी ना, और मेरा अंदर में पहले से ऐसा था कि हमको करप्ट चीज़ नहीं करना है, लास्टिंग नहीं करेगा ये चीज़ ना। तो अभी भी हमारा अरुणाचल में देख लो आप एग्जांपल देखने से, जो ये सब में घुसा डिसिप्लिन जो नहीं है, ड्रग्स तो चोरी दो बहुत, अब ड्रग्स कर लिया मतलब फैमिली के लिए प्रॉब्लम है ना, फैमिली ख़त्म है, ड्रग्स तो चोरी दो, दारू वारू पी के भी उसको भी छोड़ दो, अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आगे जाके सक्सेस नहीं होगा। हम नहीं बोल रहे कि हम सक्सेस हैं, हम बिल्कुल सक्सेस नहीं है लाइक, लेकिन कुछ भी काम करो अगर डेडिकेशन नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा तो लाइक आगे लास्टिंग लास्ट नहीं करेगा। एट द एंड ऑफ द डे मतलब यू हैव टू वर्क हार्ड एंड देन डिस्ट्रैक्शंस लाइक, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात डेविड ने कहा कि यू नो अगर आप ड्रग्स, अगर आप यू नो इफ यू आर पुशिंग, इफ यू आर बूजिंग and then you think ki you are going to be a successful musician, then you know soon lijiye na listen it from the horse's mouth ki like it's not going to work, yeah maybe 2-3 saal tak kahin na kahin wo jo longevity jo bilkul nahi rahega na, bahut sara international artist log wapas come back karta hai ki wo log ke paas mein facilities hai na, paisa hai, rehab center hai, acha medical hai, hamare yahan to kahan abhi hai rehab bhi। सो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो डेविड मैं अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि डेविड यू नो यू आर बेसिकली अ फोक म्यूजिशियन, सो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे जो बहुत सारे बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं जो जिनको फोक म्यूजिक के बारे में तो बहुत कुछ पता है, बट अपने आप को सिंस यू ऑल्सो कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, रिलेटिवली अ स्मॉल टाउन, आलो जो है बहुत बड़ा शहर में तो नहीं गिना जा सकता, तो आपका जर्नी काफ़ी अच्छा है, तो आप कुछ मैसेज या कुछ कहना चाहोगे उन बच्चों से जो फोक म्यूजिक को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, या एनी किड हु वांट्स टू डू देयर ओन थिंग लाइक एनीथिंग दैट यू वांट टू से टू देम। हम लाइक म्यूजिक फोक को म्यूजिक में लाइक लेके या फोक को लाइक डांस में या क्या लाइक एनीथिंग, एनी म्यूजिक डांस पोएट्री एनीथिंग basically music since you are a musician। I would say कि like उसको उसका originality को थोड़ा सा maintain रखो, original रखो, साथ में आप जो super impose करना है उसको थोड़ा देख के अच्छा से करने से like अपना style में अपना एक नया sound like करके आने से लाइक डेफिनेटली आप प्रिजर्व भी करेगा, साथ प्रिजर्वेशन तो हो ही रहे साथ साथ में लाइक आप आगे भी निकल सकते हैं। ऑफकोर्स आदमी फोक म्यूज़िक को ज़्यादा एब्रॉड में अप्रिशिएट करता है, वहाँ में मेन स्ट्रीम वाला म्यूज़िक को छोड़ के लाइक ना वो लोग नया साउंड अच्छा लगता है उन लोगों को सुनने के लिए। सो लाइक आउट से लाइक करना चाहिए, हम लोग का प्रिजर्वेशन तो हो ही रहा है, साथ में आपका लाइक अच्छा से भी कर सकते हैं इसको आगे ले जाके। सो लाइक हमारे लिए अच्छा है अरुणाचल के लिए, आप जितना आगे करेगा। एंड एज फार एज लाइक गेटिंग एक्सपोज इज कंसर्न लाइक कुछ टिप्स देना चाहोगे लाइक हाउ टू, ऑफकोर्स सोशल मीडिया तो है आजकल, बट खुद को दुनिया के सामने लाने के लिए कुछ टिप्स आपके लाइक नहीं आप अच्छा काम करो तो वो फोकस में आ ही जाएगा। कोई पीयर वेयर का लाइक हाँ आपको कुछ लेवल में जाके आपको पीयर जरूरत तो होगा, लेकिन इनिशियल के लिए लाइक हमको नहीं लगता है कि लाइक क्योंकि हर कोई एफोर्ड नहीं कर सकता ना। सो लाइक आपका गाना अच्छा है तो आप ऑफकोर्स आप हिट होगा, ये कहीं ना कहीं से भी पहुँच ही जाएगा लाइक। हाँ ऑफकोर्स पीआर करेगा तो आप थोड़ा जल्दी पहुँचेगा, वो तो बात सही है। जैसे कि कुछ कुछ शेफ्स कहते हैं ना, बेक इट दे विल कम एंड ईट इट, गाओ तो कोई ना कोई सुनी लेगा। बहुत ही अच्छा डेविड, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। तो डेविड हम अब यू नो वी आर गोइंग, वी हैव दिस सेक्शन कॉल्ड रैपिड फायर राउंड, ये हमारा एक रैपिड फायर राउंड होता है, बट जैसे मैं हमेशा अपने दर्शकों को कहता रहता हूँ कि रैपिड फायर डजंट मीन कि लाइक इनको एक ही वर्ड में आंसर करना है, तो मैं आपको ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चंस देगा दैट मे बी यू विल हैव टू थिंक ऑन स्पॉट, थोड़ा पानी पी लीजिए इतना जरूर तो आपको थोड़ा बात कर दिया हम नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपके यू नो इतना सीरियस बात किया हमने, थोड़ा सा लाइट ना, यू आपका जो यू हैव
जब से मैंने आपको देखा यू ऑलवेज हैड अ लॉन्ग हेयर, तो मैं आपके बाल के बारे में कुछ पूछना चाहूँ. आपके बाल के बारे में द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट यू हैव हैड एंड द वर्स्ट कॉम्प्लीमेंट दैट यू हैव हैड, व्हाटएवर यू कैन रिमेम्बर. मेरे बाल को बहुत लोग सोचते हैं म्यूजिक करता है करके, बहुत रॉक म्यूजिक में था करके ये बाल वाल रखता है, ये लंबा हेयर है, ऐसा सोचते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. मेरा एक्चुअली माथा का बीच में ना मेरा बाल कम है, हेयर कम है. ओके. हेयर फॉल भी नहीं है. छोटा में हल्का सा गा हुआ था, बड़ा से हुआ था, छोटा से नहीं, तो उसके लिए हम लंबा रखते हैं. कोई लाइक शो ऑफ करने के लिए नहीं है, कुछ वो नहीं है, हम लाइक ऐसे. वेरी सुन है, डेविड इज अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन ना, मैं ये देख रहा हूँ, यू आर अ वेरी प्रैग्मेटिक पर्सन, लाइक यू नो. हम बहुत बाल कटने में नहीं पता है, लेकिन हम नहीं कट पा रहे हैं, लेकिन हाँ बाद में, लेकिन देखते हैं. वाओ वाओ, दैट इज अ रिवेलेशन. वो जेंटल होके लाइक आपको ऐसे भी बैठने में, कम ऑन, यू आर ऑलरेडी जेंटल ना, लाइक ये है. और दूसरा मैं आपसे, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आंसर मिला हमको इसका, मैं दूसरा आपसे पूछना चाहूँगा कि लाइक अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक एनी अदर पैशन दैट यू हैव, एंड यू नो अगर God forbid, अगर आप म्यूजिशियन नहीं होते, then what would you have been apart from government servant like? हमको मेरा मम्मी तो सोचता था तुम इंजीनियर बनो, हम भी सोचा था हम इंजीनियर कर लेगा लाइक. सो लेकिन क्लास 10 में मेरा मैथ्स का मार्क इतना अच्छा नहीं आया था, सो लाइक हमको साइंस में नहीं मिला लाइक ना. सो मेरा मम्मी ऑफकोर्स हमको बहुत गुस्सा भी किया था, लाइक 4-5 महीना तो ठीक से बात नहीं किया था. 4-5 months. हाँ हाँ, तो वो हमको सोचता था कि लाइक तुम इंजीनियर बनो करके ना. और हम भी क्लास 10 में बहुत फोकस किया था, लेकिन उससे पहले क्लास 7-8 ना इतना अच्छा से हमने किया. वो 10 में हमको इम्पेक्ट किया. सो वो जरूरत है, वो 7-8 में बच्चा को फोकस करना चाहिए, मतलब पढ़ाई करती रहनी चाहिए. हाँ हाँ. सो यू हैव वांटेड टू बी एन इंजीनियर. हाँ. ओके, अनदर वेरी प्रैक्टिकल चॉइस, वेरी प्रैक्टिकल चॉइस. तो ठीक है, दूसरा मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. सिंस यू आर, आप चलिए आप फोक बजाते हो, और आपने कहा कि फोक म्यूजिशियन को अप्रिसिएशन भी बहुत मिलता है, पर आपका जो बैकग्राउंड है वो रॉक म्यूजिक का बैकग्राउंड है, तो कभी आपको ऐसा लगा कि काश मैं अरुणाचल इंडिया में पैदा नहीं होता, कोई यू नो यूके में या यूएस में या ऑस्ट्रेलिया, जहाँ रॉक यू नो फ्यूजन को ज़्यादा अप्रिसिएशन, आप कभी ऐसा लगा आपको? फ्यूजन बोल के तो नहीं, लेकिन ऑफकोर्स हम एलए में अगर लाइक पैदा होता तो क्या मजा आता, लॉस एंजेलिस राइट, अभी 90s में. हाँ, 90s LA, all you know, grunge music and all that. सही है, बिल्कुल बिल्कुल relate कर सकते हैं. So you'd love to be, मतलब अगर आप पैदा हुए तो it would have been like in Los Angeles. Okay, okay. अगला question जो है थोड़ा आपके personal, अब ये question मैं पूछता रहता हूँ मेरे जो guest हैं उनसे मैं पूछता रहता हूँ, ये है कि like, what is your ideal hangout like? Would you, दो choice दूंगा मैं आपको, आप अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट चिल करना ज़्यादा पसंद करोगे, और या यू नो विथ योर बिलवड विथ योर डार्लिंग हैव अ क्वाइट रोमांटिक इवनिंग, विच वन इज मोर यू? हम ना वाइफ का साथ तो घर में बैठा ही है. सो जब भी बाहर निकलने, अपार्ट फ्रॉम माय वर्क, आई वुड से विद माय फ्रेंड्स, ऑलवेज बेटर टू हैंग आउट विद फ्रेंड्स. ओके, सो नाइस, सो नाइस, सो नाइस. सो या वन लास्ट क्वेश्चन आई हैव, क्वेश्चंस में क्वेश्चन मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए, वो ये कि सी डेविड, आज तो चलिए हमने डिस्कस कर लिया कि यू आर अ फादर, 3-year-old यू है, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर ऑडियंस, स्पेशली फीमेल ऑडियंस को पता नहीं होगा कि यू नो दैट यू आर, तो फीमेल अटेंशन तो बहुत मिला होगा आपको, हाउ डू यू हैंडल दैट, लाइक हाउ डू यू हैंडल दैट एंड हाउ मच डू यू एंजॉय इट, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. आई वुड से लाइक यू नो हमको ना इसका यूज टू हो गया एक्चुअली. हम क्लास 2-3-4 से 2-3 से स्टेज परफॉर्म कर रहा है, स्टेज में लाइक परफॉर्म कर रहा है, तो बहुत छोटा हो गया लाइक, बहुत बड़ा स्टेज तो ना आलो में ऐसे छोटा छोटा लाइक प्रोग्राम है, उस जमाने में चैरिटीज होता था. सो एक यंगस्टर बैंड करके होता था, उसमें बजाता था, उसमें हम गिटार प्ले करता था उसमें. सो लाइक बहुत छोटा है करके लाइक आदमी लोग अप्रिशिएट करता था, वो गाल वाल पकड़ने आता था. और क्लास 4-5 तब से ना लाइक ये सब चीज़ मेरे लिए यूज टू हो गया. तो अभी मेरे लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है ये जो है ना. एक समय होता था क्लास 7-8 में, वाओ वो वाला फील आता था. बिल्कुल बिल्कुल. उसके बाद फिर 19 में भी फेसबुक वेसबुक में मैसेज, जब नया नया फेसबुक आ रहा क्लास 10-11 ऐसे में, तो जब नया नया फेसबुक आया था मैसेज वैसेज लाइक होता था, लेकिन अभी लेकिन ना यूज टू हो गया. हम फेसबुक का मैसेंजर तो हम रखते ही नहीं अभी, ऑफ ही है.
सो बेसिकली लाइक आदत है आपको ये सब का, मतलब यू आर गेटिंग यूज्ड टू. हमको यूज्ड टू हो गया. हां के हमको देख के वाओ ऐसा नहीं होता. अनटिल अनलेस वो एंजेलिना जोली नहीं होने से. जस्ट किडिंग. स्टिल जोली राइट. अब भी जोली. वाओ वाओ. तो सुन रहे हैं ना ऑडियंस, सी हैंडसम होना है, गिटार बजा सकना है, गाना गा सकना है, आधा काम वही हो जाता है. कीप दैट इन माइंड. एनीवे डेविड, इट्स सो नाइस टॉकिंग टू यू. आप हमारे बीच में आए हैं, तो सिंस आप हमारे बीच में आए हैं, तो यू नो आई थिंक बिना गाना गाने दे के आपको जाने देना, बिना कुछ परफॉर्म करते हुए आपको जाने देना, मेरे ख्याल से नाइंसाफी होगी. तो मैं आपसे थोड़ा दरख्वास्त करना चाहूँगा, कुछ चंद लाइन और एनी पीस दैट यू वुड काइंडली लाइक टू प्ले फॉर अस, थोड़ा हमारे लिए आप परफॉर्म कर दीजिए. अच्छा. तो I'd kindly request you to you know just come and perform. तो मैं production से request करना चाहूँगा, एक guitar दे दें आपको. Very nice guitar. जो भी है चलिए चलिए, दो तीन line maybe. Yeah, ladies and gentlemen, Tyson Talk Show में David Ango. चलिए let's go. तक पसीना में मामा बोले वो पसीना में आज काम पुकसा बोई रे में नाम कासन मोलाजू ओलो दादा सिसा बोई रे में नाम एसन मोलाजू तामु आई तो लाके ताम गेट माई तो लाके ओए बाबुआ होए Kampu ai to lake, kampu sete mai to lake, yoi babu ahoy. Thank you. Wow. I'm sure mere khayal se jitne bhi audience ne ye performance suna, sab taali baja rahe honge. ये गाना भी बहुत ही स्पेशल गाना है मेरे ख्याल से, बेटी बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ आंदोलन से. ये बहुत ही प्यारा सा गाना है जो हमारे बेटियों के लिए, बहनों के लिए डेडिकेटेड होता है ये गाना. सो ये थे हमारे डेविड आंगो सर. बहुत ही अच्छा लगा सर, इट वॉज सच ए नाइस प्लेजर टॉकिंग टू यू. देन आपके लिए हमारे तरफ से, टाइसन टॉक शो फैमिली की तरफ से बहुत ही सारे अच्छे अच्छे विशेस आपके लिए. मे यू ऑलवेज डू गुड थिंग्स इन लाइफ. थैंक यू. और या और फाइनली आप हमारे दर्शकों को, टाइसन टॉक शो की जो ऑडियंस है जो बेसब्री से आपको देखना चाह रहे थे, आप उसको कुछ कहना चाहता है तो काइंडली आप कह दीजिए उनसे. सो आप लोग टाइसन टॉक शो देखते रहिए, उसके बाद संडे में 3 बजे आता है आपका यूट्यूब में. सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कीप सपोर्ट टाइसन टॉक शो एंड इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट लोग को भी सपोर्ट कीजिए अरुणाचल में ना. थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस. कम ऑन, हैविंग मी. थैंक यू सो मच डेविड. वैसे हमारे पास कुछ देने के लिए तो है नहीं, दुआएं हैं और ये एक छोटा सा सुविनियर है जो आपको देना चाहूँगा. थैंक यू. थैंक यू. प्लीज कीप दैट. तो दर्शकों ये था हमारे बीच में द थंडर द लाइटनिंग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, मिस्टर डेविड आंगो, जिनके साथ हम बात कर रहे थे. बहुत ही सारी बातें की हमने. जैसा इन्होंने कहा, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए. मिलते हैं अगले एपिसोड में. टिल देन, a very very happy goodbye to all of you. Thank you so much.